क्या आप बता सकते हैं कि श्री राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा? उन्होंने सामने से वार क्यों नहीं किया? आइए विस्तार से जानते हैं। बाली के हृदय में जब तीर लगा हुआ था तब वो मरने की स्थिति में था। तब बाली ने कुछ प्रश्न भगवान से पूछे, कहा, प्रभु आपने मुझे क्यों मारा? किसी राजा को तपस्या के लिए मेरी छाल किसी काम की नहीं आएगी, क्योंकि बंदरों को दूषित माना जाता है और मेरा मांस भी किसी काम का नहीं, क्योंकि ये खाने के काम नहीं आता। आपने मेरे से सामने आकर युद्ध क्यों नहीं किया? आपने ये कायरता का काम क्यों किया? मुझे पता था आप सुग्रीव की मदद के लिए आए हैं। आप मुझसे मदद मांगते, मैं एक दिन के अंदर सीता मैया को लेकर आ जाता। वो सुग्रीव आपकी मदद क्या करता? मैं आपकी मदद करता। लेकिन आपने ये कायरता का काम क्यों किया? मुझे क्यों मारा? श्री राम ने बाली से कहा कि तुम बात बड़ी शिष्य वाली कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में दोष है। तुमने ज्ञान प्रमाणिक स्रोतों और शिक्षकों से अवगत होकर नहीं प्राप्त किया, सिर्फ मनोधर्म से प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हारे ज्ञान में दोष है। और तुमने सबसे पहले सुग्रीव की पत्नी का हरण किया और फिर उसका उपभोग करने की भी कोशिश की। तुम एक वानर हो और मैं क्षत्रिय सूर्यवंशी वीर हूँ, जिनका धरती पर साम्राज्य स्थापित है। हमारा धर्म है कि जो कोई अनुचित कार्य करेगा उसे सजा देना हमारा कर्तव्य है, और तुम एक पशु हो और पशुओं का शिकार करना क्षत्रिय के लिए अनुचित कार्य नहीं। क्षत्रिय अपने बाहुबल को बनाए रखने के लिए कभी कभी पशु के साथ हिंसा भी करते हैं। श्री राम ने बाली से कहा, मैंने तुमसे इसलिए मदद नहीं मांगी क्योंकि तुम स्वयं एक स्त्री के हरण करता हो, और बाली को भगवान इंद्र से वरदान था कि तुम्हारे सामने वाले व्यक्ति की तुम्हें आदि शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर भगवान उसके सामने भी आ जाते तो उसे ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती, क्योंकि श्री राम तो भगवान है और उनके पास अनंत शक्तियाँ थी। श्री राम ने कहा, मैंने तुम्हें सामने आकर इसलिए नहीं मारा क्योंकि भगवान इंद्र का वरदान निरस्त नहीं होना चाहिए। ये सारे कारण जानकर बाली ने श्री राम से कहा, भगवान आपने सही किया। श्री राम की महिमा गाते हुए उसने अपने प्राण त्यागे, लेकिन अपने पुत्र अंगद को भगवान को सौंप दिया और कहा, प्रभु मुझमें जरूर दोष रहे, लेकिन मेरे अंगद को स्वीकार कर लीजिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही से लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आप तक ऐसी और भी कई खबरें यूं ही पहुंचती रहेंगी हर रात 9 बजे, इसलिए चैनल के साथ बनी रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।